जिस तरह से आपने पूजा की, देश में गर्व की बात रही, लेकिन कुछ विपक्षियों को उस पर ऐतराज जताया आपके ओम लिखने पर, नींबू लगाने पर। चाहे जिस चाहे जिसको जो कहना हो कहे, जो मुझे उचित लगा वो मैंने किया, भविष्य में भी जो उचित लगेगा वो मैं करूंगा। तो रफेल की हिंदुस्तान और हाँ हाँ नहीं नहीं मैं हमारी आस्था है, एक कोई ना कोई एक सुपर पावर है, मैं छोटा बचपन से ही उसे मैं मानता आया हूँ। हाँ। और मुझे लगा भारत राष्ट्र जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसे हम एक महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसे हम सुपर पावर बनाना चाहते हैं, यदि उसके लिए एक ऐसी कोई फाइटर प्लेन मिल रही है जिससे कि हमारे वायुसेना की मारक क्षमता, जो कम्बैट कैपेबिलिटी यदि बढ़ रही है, तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि इतना बड़ा अत्याधुनिक राफेल आ रहा है और उसकी रक्षा नींबू करेगा, तो राफेल कैसे बचाएगा हिंदुस्तान? नहीं, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में भी इस मुद्दे पर डिवीजन रहा होगा, आम सहमति नहीं रही होगी। पूजा करने पर कुछ कोई आपत्ति नहीं होती। मैं कहता हूँ कि यदि कोई दूसरे धर्म का मानने वाला होता तो वह भी अपने धर्म से, जो धार्मिक उसकी एक पद्धति होती है पूजा करने की, उससे उसकी वो पूजा कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम होता है चाहे क्रिश्चियन होता, हमको कोई आपत्ति नहीं होती, हम उसका स्वागत करते हैं। मुस्लिम तरीके से भी होती है, कोई भी किसी तरीके से करता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। पहला हथियार है जिसको लेकर भारत में जनता सेलिब्रेशन की, जनता उत्सव के तौर पर इसलिए मनाया कि स्वाभाविक रूप से सबको लग रहा है कि ये इसके परिणाम स्वरूप हमारे भारत की सेना की, चाहे वायुसेना हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे नेवी हो, इन सब सारी जो हमारी विंग्स हैं, इनकी ताकत बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से। तो सर, पहला रफेल देश को गौरव की अनुभूति, भारत कब पहुंचेगा? पहला रफेल कब पहुंचेगी? पहले अप्रैल तक मैं समझता हूं कि 7 अप्रैल मई तक 7 रफेल भारत में आ जाएंगी। इस समय वहां पर हमारे बहुत सारे एयरफोर्स के पायलट जो है ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। लेकिन वो राफेल जो है सुपरसोनिक की स्पीड से चलने वाली है, 1800 किलोमीटर पर आवर चलने की उसकी क्षमता है। फ्रांस का दौरा बहुत ही कामयाब रहा और यूं ही मैं फ्रांस पहुंचा, उसके बाद वहां के राष्ट्रपति एक्सलेंसी मैक्रन के साथ हमारी भेंट हुई और लगभग 35 मिनट तक उनके साथ बातचीत हुई। बातचीत भी बहुत ही सार्थक रही और बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। और उसके बाद राफेल की हैंडिंग ओवर सेरेमनी हुई, वह भी बहुत ही सक्सेसफुल थी। और एक हमारी भी जो वहाँ पर कुछ एयरफोर्स के लोग थे उनके अंदर भी एक इंथुजियाज्म था, और एक सारथी भी मैंने ली उसकी जी। और सुपरसोनिक की स्पीड से उस समय राफेल चल रहा था जिसमें मैं उसमें बैठा हुआ था जी। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राफेल जैसी फाइटर प्लेन अथवा मिलने के परिणाम स्वरूप हमारे भारत की वायुसेना की मारक क्षमता, कम्बैट कैपेबिलिटी, ये निश्चित रूप से बढ़ेगी।